नमस्कार दोस्तों, कोई भी शेयर बाय करने से पहले आपको इन सात बातें चेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यदि आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज करके शेयर को बाय करते हो तो आपका पैसा काफ़ी ग्रो हो सकता है, क्योंकि आपको ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। हर एक स्टॉक जिसमें भी आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको ये कम्प्लीट वीडियो वॉच करना है। शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो इस गिरावट के माहौल में आपको जब भी कोई शेयर को बाय करने से पहले आपको इन सात बातों को चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप इन सात बातों को देखकर शेयर को बाय करते हो तो आपको शेयर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए आपको कौन सी सात बातों को फॉलो करना है? नंबर एक, स्टॉक मार्केट सेक्टर। नंबर दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन। नंबर थ्री, प्रमोटर। नंबर फोर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। नंबर सिक्स, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज स्कीम। नंबर सिक्स, बैलेंस शीट। नंबर सेवन, क्लाइंट। आप इन सात बातों को फॉलो करके शेयर को बाय करते हो तो आपको शेयर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आइए जानते हैं एक एक स्टॉक एक एक पॉइंट के बारे में डीपली। नंबर वन, स्टॉक मार्केट कैप सेक्टर। आपको स्टॉक का चुनाव करना चाहिए, इसके साथ ही आपको सेक्टर का भी चुनाव करना आना चाहिए। आप जिस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें उस कंपनी में ग्रोथ है, उसके बिजनेस में यदि ग्रोथ है तो आप उस सेक्टर में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यानी जो फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ कर सकती है उन्हीं सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए। इसके साथ ही आपको देखना चाहिए कि जो सेक्टर में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करें उसमें मूवमेंट कैसा चल रहा है, क्या उसमें बेरिश मूवमेंट है, बेरिश मूवमेंट चल रहा है, या फिर उसमें बुल मूवमेंट चल रहा है, या उसमें साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। तो ऐसे में जब तक कोई भी स्टॉक में बेरिश मूवमेंट चल रहा है तो बेरिश मूवमेंट में आपको शेयर नहीं खरीदना चाहिए। उसमें अगर बुल मूवमेंट है तो आपको शेयर को बाय कर लेना है। यदि उसमें साइडवेज है तो आपको थोड़ा इंतजार करके शेयर को बाय करना चाहिए। नंबर दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता है कि आपको साइज पता चलता है कि कंपनी किस साइज की है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, और इस कंपनी में कितना ज्यादा रिक्स है। तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन करना आना चाहिए तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। नंबर थ्री, प्रमोटर। आपको पता चलता है प्रमोटर के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चल जाता है जब आप प्रमोटर चेक करना सीख जाते हो। नंबर फोर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप जिस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, FI की कितनी होल्डिंग है, DIs की कितनी होल्डिंग है, इसके साथ ही गवर्नमेंट की क्या होल्डिंग या किसी भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसके होल्डिंग पैटर्न से आपको पता चल जाएगा स्टॉक में कितनी ग्रोथ हो सकती है। नंबर फाइव, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज स्कीम। आप जिस शेयर को बाय कर रहे हैं उसमें प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, प्लेज या स्कीम, उस कंपनी के शेयर क्या गिरमी है या उसमें कोई ऐसा घोटाला या कोई ऐसी चीज हो रही जिससे शेयर में गिरावट के चांसेस है, तो आपको ऐसे शेयर से दूरी बना के रखनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि उसमें कितना परसेंट शेयर गिरमी है कि नहीं है, तो आपको ये जान लेने से आपको काफी हद तक आपको जानकारी हो जाएगी उस स्टॉक के बारे में। नंबर सिक्स, बैलेंस शीट। आप जिस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी बैलेंस शीट चेक करनी आनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्वार्टरली कैसा रिजल्ट है या अर्ली कैसा रिजल्ट कंपनी पेश कर रही है, क्या कंपनी घाटे में या प्रॉफिट में,
कंपनी लगातार घाटे में, तो आपको उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए जो कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो ऐसे गिरावट भरे माहौल में यदि शेयर को बाय भी करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ नंबर 7, क्लाइंट। आप जिस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके क्लाइंट क्या है। यदि स्टॉक में बड़े बड़े क्लाइंट है, टाटा हुआ, अदानी हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो बड़े बड़े हैं, वो शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उस शेयर में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको इन 7 बातों को चेक जरूर कर लेना है जब भी आप शेयर को बाय करें, चाहे गिरावट में, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए शेयर को बाय करते हैं। तो ऐसे में आपको इन 7 बातों को चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप बिगिनर है तो आपको इन चीजों को जरूर ही फॉलो करना चाहिए। कोई भी शेयर बाय करने से पहले आपको इस 7 बातों का ध्यान रखना है, तभी शेयर को बाय करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।